स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पर। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है और महाराजा जी जो हैं वो शेर की मूंछ का बाल कैसे लेके आने वाला है। अगर आपको पूरा ये मैटर समझना है, पूरी ये बातें समझनी है, तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा। और वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही देंगे दोस्तों, धन्यवाद। पहले ही मैं आपका धन्यवाद बोल देता हूँ। तो आने वाले एपिसोड में यानी कि कल 661 यानी कि 661वें एपिसोड में जो होगा वो मैं आपको भी बता देता हूँ कैसे कि शेर की मूंछ का बाल लेके आएगा। तो भाई ऐसा है, रामा ने रचा है यहाँ पे बहुत बड़ा षड्यंत्र, और वो षड्यंत्र तो नहीं कहेंगे, उनकी चालाकी कहेंगे, दिमाग का खेल कहेंगे। तो दिमाग का खेल इस प्रकार कहेंगे कि जो ये रचा है पूरा नाटक वो रामा ने किस प्रकार से रचा है मैं आपको बता देता हूँ। तो जहाँ पर स्वामी रामा को ये कहता है कि शेर की दहाड़ सुनकर उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा, वहीं पे जो है रामा के दिमाग में बात आती है कि बात तो सही है शेर की, अगर दहाड़ सुनने के बाद रामा ये सोचता है कि उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा, यानी कौन देखेगा कि महाराज शेर की मूंछ का बाल लाए हैं या नहीं। तो वो एक षड्यंत्र रचता है, अंदर शेर की आकृति एक वो रखता है गुफा के अंदर, या फिर अपनी जो वो है शारदा को वहाँ पर रखता है, या फिर जो कह दीजिए वो दूसरी लड़की जो उसके साथ थी उनको वहाँ पर रखता है, और शेर की आकृति बनाने को कहता है, शेर का पोस्टर, और शेर की आवाज़ निकालने को कहता है। अब असली शेर वहाँ पर नहीं है दोस्तों, ये बात जानने की, असली शेर वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर नकली शेर है, लेकिन शेर के डर से वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहेगा, यानी कि ना तो वो व्यक्ति जो शेर की मूंछ का बाल चाहता है वो वहाँ पर जाएगा, ना ही कोई और जाएगा। पर रामा किसी तरह से महाराज को अंदर लेके जाएगा, और नकली शेर जो है और जो उसने वो बिल्ली के मूंछों के बाल वहाँ पे रखे हुए थे, या तो वो या कोई और बाल हो सकता है, कोई भी किसी भी चीज़ तरह के बाल हों जो शेर की मूंछ के बाल की तरह रखते हो, वो लेके आएगा अंदर से बाहर, और बाहर आके बोलेगा कि ये शेर की मूंछ के बाल हैं। अगर किसी को पता करना है तो अंदर जाके पता कर सकता है कि वो शेर की मूंछ के बाल हैं या नहीं, अंदर कोई जाएगा नहीं क्योंकि अंदर है जिंदा शेर। तो फिर इस तरह शर्त भी पूरी हो जाएगी, राजपाट भी बच जाएगा, और महाराज की मूछें भी नहीं कटेंगी, इज्जत भी रह जाएगी। तो एक बार फिर से हमें रामा का जो दिमाग है उसकी चालाकी देखने को मिलेगी आप सबको। तो मेरा ये जो थ्योरी है ये आपको कैसी लगी, यानी जो अपडेट है वो आपको कैसा लगा, उसके लिए प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। और हमारे चैनल को प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें, सही जानकारी अपडेट हर तरह की जानकारी हर तरह की अपडेट्स टीवी से जुड़ी हुई और साथ ही बस बनाते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, हमारी वीडियो सुनी, आपका बहुत दिल से धन्यवाद, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।